सर वाले पर डॉक्यूमेंट बने स्टैंप लगे सर से से हेलो 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 एवरीवन हेलो योर गर्लफ्रेंड कैसा लग रहा है बहुत भेड़ा लग रहा है यार तू नहीं पहन रहा था कैसे पहना दिया लेकिन मैं उतार रहा हूँ यार आज मैंने जाना है इमिग्रेशन ऑफिस तो यार मैं अब इससे बंद आ चुका हूँ मैं इसको नहीं लगा रहा हूँ आगे पुलिस खड़ी है यार ये इमिग्रेशन ऑफिस है अंदर ये नसीम की फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पे मैं एक दोस्त से कैमरा लेके आ गया हूँ ठीक है ये आंटी का दुकान है ये देखो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी हो गए हैं अब यहाँ पे स्कैन कर लिया ठीक है और तो देखो ना ये पाम देता है ना टीवी चेक पे स्कैन करके 401 तो बाबा ये और ये बहुत उदास है अभी क्यों अब्दुल्ला तिमलगुरु वाला था दगा का तो अब जाएंगे और कोई अच्छा लोकेशन ढूंढ के पिक्चर वगैरह निकालेंगे ये हमारा फोटोग्राफर है और ये अब तस्वीर ले रहे हैं ठीक तरह से कड़ा वो फिर दिखा देंगे अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो आज मैंने जाना है इमिग्रेशन ऑफिस तो आप लोगों को दिखाता हूँ वो भी हमारा वीज़ा एक्सपायर हुआ है तो वो रिन्यू करने के लिए जाना है और साथ में मैं एक दोस्त से कैमरा लेके आ गया हूँ ठीक है तो अगर टाइम मिला तो इस पर पिक्चर वगैरह भी ले लेंगे तो अभी हमारा कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते तो इसका इस दुकान से मतलब वो करते फोटो स्टेट तो हमारे वाला हो गया अब ये हमजा अब इसका रहता है ये भी साथ जा रहा है तो इसका कुछ फोटो कापी रहती है वो प्रिंट करा रही है ये आंटी का दुकान है ये देख लो और यहाँ पे इसने मछली भी पाली हुई है अब ये नहीं है और ये देख लो आंटी ने फोटो कापी दुकान पे ये भी पाले हुए हैं तो अब हमने फोटो कापियाँ प्रिंट करा दी ये हमारा राजा साहब है राजा है बलोच साहब है हमजा बलोच तो अब हम जाने लगे हैं कहीं कहीं ढूंढते हैं मोटरसाइकिल कई मोटरसाइकिल ढूंढते हैं तो वो स्कैन करके उस पे जाएंगे इमिग्रेशन ऑफिस और ये सिस्टम है बारिश हुआ है कल तो सिस्टम पुल नशा है मौसम बाहर है मौसम बहार तो ये ठहरा है मोटरसाइकिल ठीक है चाइना में यह है कि ये मोटरसाइकिल हर जगह पे ठहरे होते हैं तो बस ये कोड मतलब ऐप से स्कैन करके बस जहाँ जाना है लेके जा सकते हैं और इसको अली हसन का कार है अली हसन आपका पक्का दोस्त है मेरे ख्याल से हाँ तो इसने ये स्कैन कर लिया ठीक है और अब जाएंगे इमिग्रेशन ऑफिस लेट्स गो ठीक है बेहतरीन गोल्ड भी लगा हुआ है गोल्ड अच्छा तो अभी हमारे सीआर से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे तो वो ले लिए अभी जाते हैं इमिग्रेशन ऑफिस ठीक है वहाँ जाके जो है इमिग्रेशन में मतलब सिर्फ वाइट बैकग्राउंड पिक्चर लगता है एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो लगता है और पासपोर्ट लगता है और कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लगते हैं कैसा लग रहा है बहुत भेड़ा लग रहा है यार तू नहीं पहन रहा था कैसे पहना दिया लेकिन मैं उतार रहा हूँ यार उतार रहा कि फिर कड़े है
लगा लो, आगे पुलिस खड़ी है यार। अब अभी तो पहना दिया यार, अभी अभी पुलिस ने हेलमेट पहनवा दिया, अब ये फिर इसने उतार दिया है। और इसको इसको ये पीछे से कैसे लग रहा है, मैंने कहा था कि पहन लो हेलमेट, पहन लो, ये नहीं पहन रहा था। फिर अगर पुलिस आकर उसने पहनवा दिया और उसने फिर उतार दिया। ये जो है सामने इमिग्रेशन ऑफिस है, तो हम पहुंच चुके हैं। अब अंदर जाके जो प्रोसेस होगा वो भी दिखा देंगे और साथ में ऑफिस में थोड़ा बहुत दिखा देंगे। स्कैन करके लॉक करो, फिर मिलता नहीं है, अगर कोई ले गया तो फिर किस्सा ख़त्म। लॉक लॉक नीचे है ना, नीचे टेम्परेरी लॉक। चुके हैं हम, अब अंदर जाएंगे। चलो तो ये इमिग्रेशन ऑफिस है और ये नसीम है और ये वो, ये इमिग्रेशन ऑफिस है अंदर। और ये मैडम बराजी हो। अच्छा तो अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी हो गए हैं, अब यहाँ पे जाके पिक्चर लेना है और फिर वहाँ पे जाके जो बाकी प्रोसेस है वो आप वहाँ पे करेंगे। ये नसीम की फोटोग्राफी चल रही है, यहाँ पे पिक्चर लेके फिर आगे जाना है। अच्छा हो गया, देखो नाजरी ये मिला है और इसकी फोटोशूट चल रही है। तो ये आप सरप्स हाल तो नहीं रखो, दवा सही सर वाले डॉक्यूमेंट बने स्टैंप लग गई सर। से हेलो 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 एवरीवन, हेलो योर गर्लफ्रेंड। अच्छा तो अब ये हो गया, फेस पे करना है 401। तो यहाँ पे ये पाम देता है ना, ये भी चेक पे स्कैन करके 401 फी पे करना है और उसके बाद सिस्टम खत्म। अरे ये देखो, ये इमिग्रेशन ऑफिस में जंजाकू सिटी जो है, हमारा जो सिटी है उसका मैप लगा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो वहाँ पे, हमारी यूनिवर्सिटी से चली गई क्योंकि पूरी सिटी का मैप है ना, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी है। ये होटल दिखाई दे रहा है, वहाँ पे डी ब्रिज है, ये पुल जो है हमारी यूनिवर्सिटी जंजाकू सिटी की जो मैप है वो है। तो ये हमारा मुस्तफा भाई है और ये बहुत उदास है अभी क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवा रहे हैं ना। तो 31 मार्च तक चले जाना है, 31 मार्च पे तो वीज़ा एक्सपायर हो रहा है ना, तो बहुत हमें भी वो बहुत दुख हुआ क्योंकि आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा। तो तलहा सर से बात कर लो, मैं भी कर वो एक्सटेंड करवा दे। ये अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला ती मलगरो वाला था दगावा का। अच्छा भाई तो हमारा काम ख़त्म हो गया, ठीक है अब बाहर निकल गए हैं, तो अब जाएंगे और कोई अच्छा लोकेशन ढूंढ के पिक्चर वगैरह निकालेंगे और साथ में फिर आपके साथ रिज़ल्ट भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह कि रिज़ल्ट कैसे आया है इस कैमरे का। तो चलो चलते हैं। अब ये हमारा फोटोग्राफर है और ये अब तस्वीरें ले रहे हैं, तो बाद में रिज़ल्ट भी दिखाएंगे। ये जो है एक ये जंजाकू म्यूज़ियम है और ये साथ जो है ये जंजाकू जो पब्लिक लाइब्रेरी है, तो ये है। और ये हमज़ा नसीम की अब पिक्चर ले रहे हैं, तो बाद में आपको रिज़ल्ट भी दिखाएंगे। अच्छे अच्छे तरीके से लेना।
देखो नाजरीन ये क्या हो रहा है, बमबारी हो रही है फोटो की, ये फोटोग्राफी हो रही है। तो अब मलिक साहब का पिक्चर निकालेंगे, ठीक तरह से खड़ा हो। फिर दिखा देंगे कि कैसा है डास्ट।